हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे डिप्लोमेसी। लास्ट सेशन में हमने किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे टेक्निक्स और टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी। जो डिप्लोमेसी है वो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से टूल्स हैं जिसको यूज कर एक डिप्लोमेसी हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अचीव कर पाती है। तो आज हम इस सेशन में वही टेक्निक्स और टूल्स को यूज करेंगे। हम कहते हैं डिप्लोमेसी जब भी काम करती है जी पीसफुल वे से काम करती है। डिप्लोमेसी हमेशा ऐसी टेक्निक यूज करती है जिससे वॉर को अवॉइड किया जा सके। तो इसके पीसफुल मीन्स कौन से हैं जिससे डिप्लोमेसी हमारे देश के इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाती है? तो इसका फर्स्ट टूल है इकोनॉमिक एड एंड कंसेशन, जिस सबसे इम्पोर्टेंट टूल माना गया है। इकोनॉमिक एड, इकोनॉमिक एड का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिकली हम किसी कंट्री की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जब हम किसी कंट्री की इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, मनी हेल्प करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो कंट्री इकोनॉमिक हेल्प लेती है वो कंट्री इकोनॉमिक हेल्प देने वाली कंट्री की हर बात को मान जाती है। हम इंटरनेशनल लेवल पर यही चीज तो देख रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इनके इकोनॉमिक हेल्प करती हैं। जब इनकी इकोनॉमिक हेल्प होती है तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री की हर बात मानने लग जाती हैं। अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना भी क्या कर रहा है, अदर कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए उनको इकोनॉमिक ग्रांट्स दे रहा है, उनकी इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर वो खर्च कर रहा है। अगर हम किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कंट्री हमारी हर एक बात को मान जाएगी। तो हम यही तो कह रहे हैं कि डिप्लोमेट्स इकोनॉमिक एड का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं अगर आप हमारी बातें मान जाओगे, अगर आप ये करते हो इस प्रोजेक्ट के लिए, हम आपको इतनी मनी हेल्प करेंगे। जैसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ये भी एक तरह का क्रेडिट तो है, लोन देते हैं। मान लो इंडिया ने किसी कंट्री को 5 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया। इट मीन्स क्या है, वो कंट्री 5 मिलियन डॉलर की इंडियन इकोनॉमी से परचेजिंग कर सकती है, तो उसकी पेमेंट भी उसको अभी नहीं करनी होती है। तो इस तरह हम भी इकोनॉमिक हेल्प कर रहे हैं। एंड किसी कंट्री को स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस का मीनिंग क्या है कि हम उस कंट्री से अपनी ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, हमारी ट्रेड पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है। हम कहते हैं हम उनसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। एंड हम क्या करते हैं, रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, जो हमारे टैक्स हैं हम उस कंट्री के लिए कम कर देते हैं, जिस वजह से वो कंट्री हमको कम कस्टम ड्यूटीज पर, कम टैक्स पर अपना प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर पाती है, जिस वजह से उसकी एक तरह से हेल्प हो रही है। तो जी कंसेशन, जी इकोनॉमिक एड हेल्प क्या करती है, उस इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, इसी हथियार को यूज करते हैं जिस वजह से वो प्रोस्पर हो सके, उनको जे लालच देते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे, कंसेशन देंगे, जिस वजह से आप प्रोस्पर होंगे। जो डिप्लोमेट्स हैं ये सब कुछ कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर फॉरेन पॉलिसी, इनके पास फाउंडेशन है, जो कुछ ही फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे। नंबर टू, रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स। रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना गया है। डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, दे ऑफर रिवॉर्ड्स, दे ऑफर गिफ्ट्स, ताकि हम अपनी बात को मंडवा सके। तो डिप्लोमेट्स अक्सर क्या करते हैं, दे ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर सिक्योरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिजायर्ड व्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्प्यूट हो रहा है, इस डिस्प्यूट पर अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, जो हम कहते हैं अगर आप हमारे डिजायर्ड व्यू के अकॉर्डिंग ही वोट कास्ट करते हो, तो हम आपको जी रिवॉर्ड देंगे, हम आपको रिवॉर्ड ऑफर करते हैं। तो वो कंट्रीज क्या करती हैं, रिवॉर्ड की लालच में, गिफ्ट की लालच में हमारी बातों को मान जाती हैं। तो हम जी कहते हैं डिप्लोमेट्स रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट को एज अ टूल यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सुएशन। इसका मीनिंग क्या है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं,
जस्टिफिकेशन ऑफ द गोल्स विच अ नेशन ट्राइज टू अपहोल्ड, जो गोल्स हैं, जो कुछ हम कहना चाहते हैं हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उस कंट्री को कि हम अगर ये काम कर रहे हैं, इस काम करने के पीछे हमारा क्या मोटिव है, अपने आप की जस्टिफिकेशन देना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, जिस वजह से वो कंट्री हमारी बातों को मान लेती है। तो हम इसको भी एज अ टूल यूज करते हैं जिससे हमारे इंटरेस्ट है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सके। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन एक्ट। ह्यूमैनिटेरियन एक्ट का मीनिंग है एज अ ह्यूमन ह्यूमैनिटी के नाते हम किसी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं, जिससे हम कहते हैं मेडिकल हेल्प। अब क्या है, जैसे COVID-19 चल रहा था, बहुत सारी इकोनॉमी को मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, तो हम उनको फ्री में ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, मेडिकल हेल्प दे रहे हैं। तो हमारे डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी कंट्री से आपको जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है, मेडिकल हेल्प है, वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसको एज अ टूल यूज किया जाता है। इमरजेंसी की सिचुएशन में हम उनको जे हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, जैसे फूड की हेल्प करना, हम एजुकेशनल ग्रांट्स देते हैं, जैसे कोई पुअर नेशन है, वहाँ की इकोनॉमी के लोग हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, उनको एजुकेशनल ग्रांट्स प्रोवाइड कराना, जिससे उसकी इकोनॉमी की जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो स्केल हो सके, ट्रेनिंग के लिए ग्रांट्स देना, इस वजह से वो कंट्री क्या करती है, हमारी बातों को अचीव कर लेती है। अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, ये हेल्प से क्या होगा, वो एज अ इकोनॉमी प्रोस्पर बन सकेगी। तो हमारे डिप्लोमेट्स ह्यूमैनिटेरियन एड को भी यूज करते हैं एज अ टूल, जिस वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। नेक्स्ट इज मिलिट्री एड। मिलिट्री एड का मीनिंग है मिलिट्री हेल्प करना। जैसे हम कहते हैं हर एक कंट्री है मिलिट्री लेवल पर इक्वली पावरफुल नहीं है, तो जो मिलिट्री पावरफुल कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो उन कंट्री को ऐसा गिफ्ट दे देती है, जब बहुत कम रेट पर देती है, कंसेशनल रेट पर देना तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है मिलिट्री इक्विपमेंट को देना। एंड हम क्या करते हैं, जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं अपनी इकोनॉमी से उनके स्टेट में भेजते हैं, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये भी क्या होगी, एक तरह से उनकी हेल्प होगी। मिलिट्री एड को भी हमारे डिप्लोमेट्स यूज करते हैं ताकि हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस है वो अचीव हो सके, हम उनमें स्मूथनेस इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट इज ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। जो ट्रीटीज होती है, हम कहते हैं डिप्लोमेट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो करते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट है, हम उनको सॉल्व कर सके। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स का सलूशन है उसके लिए ड्राफ्टिंग कौन कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स करते हैं। तो डिप्लोमेट्स इसको एज अ टूल यूज करते हैं, जिस वजह से वो अपनी बातों को इस तरह घुमाते हैं कि वो हमारी बातों को मान लेते हैं। तो हमारी ट्रीटीज, हमारे एग्रीमेंट्स भी डिप्लोमेट के द्वारा ही यूज किए जाते हैं, जिससे हमारे इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो सके। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रेशर। हमें पता है डिप्लोमेट्स हैं वो पीसफुल मीन यूज करेंगी, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, प्रेशर टेक्निक को यूज करती हैं। वो कहती हैं कि हम आपके ऊपर फोर्स भी यूज कर सकते हैं। वो फोर्स यूज करने की बात नहीं करे, उसका सिर्फ धमकी देते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं, एंड हम एज अ बिग नेशन आपके ऊपर फोर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसका थ्रेट एक तरह से उस कंट्री के लिए प्रेशर का काम करता है। एंड थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, अगर हमने अपने फेवर में इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रोपोगंडा चला रखा है, हमने अपने आप को जस्टिफाई कर रखा है, अगर वो नेशन हमारी बातें नहीं मानेगा तो हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर उस कंट्री का क्रिटिसिज्म हो, इसीलिए उसे हम क्रिटिसिज्म का थ्रेट देते हैं, जिस वजह से हम अपने इंटरेस्ट को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन वायलेंट पनिशमेंट। हमें पता है डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स अच्छे रिलेशन बनाते हैं,
वो कोई वायलेंट मीन नहीं यूज कर सकते, लेकिन वो नॉन वायलेंट पनिशमेंट जरूर दे सकते हैं। नॉन वायलेंट पनिशमेंट में हम कहते हैं कि अगर डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, अपनी बातों को पीसफुल मीन से मना रहे हैं, इकोनॉमिक एड से, गिफ्ट से मनवा रहे हैं, अगर वो इनसे नई बात मान रहे तो हम प्रेशर को यूज कर रहे हैं। अगर इससे भी नहीं बात बनती तो वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉमिस किए हैं, जो रिवॉर्ड्स दिए हैं, कंसेशन दिए हैं, उनको क्या कर लेते हैं, डिप्राइव करने की बात करते हैं कि हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था, रिवॉर्ड्स, कंसेशंस, ग्रांट्स, हम इन सबको वापस भी ले सकते हैं। तो डिप्लोमेट्स खुद देखते हैं कि उनको अपने डिसीजन को मनवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए किस टाइम में कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा। वो इकोनॉमिक हेल्थ की वजह से हो सकता है, या पॉलिटिकल हेल्थ की वजह से हो सकता है, कोई प्रॉमिस से हो सकता है, या फिर उसको धमकी देनी पड़ेगी, थ्रेट यूज करना पड़ेगा, फोर्स यूज करनी पड़ेगी। तो डिप्लोमेट्स हैं जो करेक्ट डिसीजन लेते हैं ताकि हमारे इंटरेस्ट जो है वो अचीव हो सके। वो सैंक्शंस भी इम्पोज करने के थ्रेट देते हैं कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे हम आपके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर देंगे। अगर किसी इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज हो जाते हैं, इट मीन्स क्या है, उस इकोनॉमी को इकोनॉमिकली लॉस होगा। इस वजह से वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री की बातों को मान जाते हैं। तो डिप्लोमेट सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं जिस वजह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर हो पाते हैं। तो आज हमने इस सेशन किया टेक्निक और टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस।